you mm -hmm. भुगम इछांगझल बुथो खुदा के कलाम में यूं मरकुम है हर नहीं मौसम हो इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था इब्तदा में कलाम था मेरे अजीजों इससे पहले कि मैं इस आयत को खोलूं और इसकी तफसीर के अंदर जाऊं क्रिसमस के हवाला से आज बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी महाफल का इनका किया गया है जिसमें क्रिसमस के हवाले से बहुत सारे पैगाम नशर किए जाएंगे दिए जाएंगे ताकि लोगों की अंदर बेदारी शार आ सके और लोगों को पता चल सके कि ये कौन सा दिन है और इस दिन की क्या अहमियत है जो देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारी बर्थडे सेलिब्रेट्स होती हैं वज़ीर आज़म की बर्थडे सेलिब्रेट होती है, है। बहुत सारे और अम्बिया की और बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों की जो है वो सालगिरह मनाई जाती है पर यह त्यौहार जिसको हम क्रिसमस का त्यौहार बोलते हैं ये एक त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि पूरी दुनिया पूरी खलकत में इस त्यौहार के जैसा इस त्यौहार के जितना बड़ा त्यौहार कोई नज़र नहीं आता होली दिवाली ईद तो आप सबने सुनी है पर यह त्यौहार जब आता है तो बहुत सारे चेहरों की रौनकें और बहुत सारे मुरझाए चेहरे और फूल कलियाँ जो हैं वो जगमगाने लग पड़ती हैं और एक एक अजीब और एक अलग किस्म का समा हमें हर जगह पे नज़र आता है और ये क्या बताता है कि जो आमद है वो किसी ख़ास शख्सियत की आमद है किसी ख़ास पर्सनैलिटी की आमद है तो इसके बरक्स बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस की मुखालफत भी करते हैं आप सब जानते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से आए हैं तो मसीहों के अलावा वहाँ पे और भी कौमें बस्ती हैं और हमारे हम हमारे ब्रदर जो वहाँ पे बसते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं और इस त्यौहार को आपस में मजबी हांग अब हमहगी के ज़रिया से मनाते हैं मगर वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अदर डिनिनेशन हैं बल्कि मसीहियों के ही डिनिनेशनस हैं और दूसरे मजहब के लोग भी इस त्यौहार की मुखालफत करते हैं और कुछ लोग इसके बारे में ये ख्याल करते हैं कि इसको मनाना चाहिए या कि नहीं मनाना चाहिए इसके हवाले से ये हर बंदे की अपनी अपनी राय है और हर बंदे ने अपनी अपनी ये राय कायम कर ली ही है लिहाजा बतौर मसीही जब हम अपने अकीदा के मुताबिक इस ईमान का इजहार करते हैं इसके पीछे हमारे पास एक सॉलिड वजह होनी चाहिए कि आया हम इतनी खुशी इतनी ज़्यादा सजावट इतनी ज़्यादा शोर और इतना ज़्यादा हम हंगामा राई क्यों करते हैं हम क्यों इतना ज़्यादा इस जोश व खरोश से इस त्योहार को मनाते हैं आया कि इसकी अहमियत क्या है बाकी चीज़ें एक साइड पे कि आया ये दिन फलान तारीख को मनाना चाहिए या फ़लान तारीख को मनाना चाहिए बल्कि इन सब बातों को छोड़ के हमें एक वो जो मकसद है इस दिन का उसकी उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है उसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है उसके ऊपर रोशनी डालने की जरूरत है कि आया क्या वजह है कि इस दिन को हम मनाते हैं तो मैं बयान करना चाहता हूं कि ना सिर्फ कलाम मुकदस इस दिन की फजीलत को बताता है कि किस तरह खुदा के रिश्तगान जो हैं वो गीत गा रहे हैं और नोयल नोयल के नारे लगा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के अंबिया दुनिया में पैदा होते रहे कलाम नहीं बताता कि फरिश्तगान आए उन्होंने नोयल नोयल खुशखबरी खुशखबरी के गीत गाए हों एक ख़ास पैदाइश एक अजीब तरीके से पैदाइश क्योंकि कलाम मुकदस हमें बताता है कि वो अजीब और मशीर कहलाएगा क्या जी अजीब और मशीर कहलाएगा और उसकी पैदाइश इतनी अजीब तरीके से होगी फरिश्ता मरियम के पास आता है और उससे कहता है क्या मरियम ना डर वो फरिश्ते को देखती है वो डर जाती है हम सब इस स्टोरी से वाकफ हैं इस हवाला जात से वाकफ़ हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वो डर जाती है कि हाँ ये किस कर हो सकता है ये एक अजीब चीज़ थी कि फ़रिश्ता जाहिर होता है और वो उसको बयान करता है कि तू रूल कदस से हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका क्या नाम रखा जाएगा जी उसका नाम यस्सु रखना यस्ु का क्या मतलब है यस्ु का मतलब कि वो गुनाहों से अपने लोगों को निचा देगा आते हैं इस आयत की तरफ तमीद बांधने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को मसीहा की अलूत और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं समझ आती बहुत सारे लोग क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं तोहफाई भी देते हैं पर वो इसकी असल स्पिरिट, जिसकी असल रूह है उससे नावाकफ रहते हैं तो यन्ना कंजील पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और मेरे अजीज़ों इब्तदा ये कलाम मुक़दस द होली बाइबल जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं बहुत सारी किताबें हैं बहुत सारे अकायद हैं बहुत सारे मजाहब हैं जो बताते हैं दुनिया के बारे में दुनिया की हिस्ट्री के बारे में तारीख़ के बारे में पर यह कलाम मुक़दस ये वाद व ज़िंदा किताब है जो बताती है जो बताती है कि दुनिया का शुरू कब हुआ आप आप देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसमें लिखा है कि इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमां को पैदा किया इन द बिगनिंग ऑफ गॉड, ठीक है किताब मुकद्दस बताती है कि दुनिया का आगाज कैसे हो रहा है खुदा चीज़ों को कैसे पैदा कर रहा है खुदा कैसे आसमान को पैदा कर रहा है, ज़मीन को पैदा कर रहा है मगर जब हम नए अध में देखते हैं तो ये कलाम मुकदस बताता है ना कि हिस्ट्रिक दौर को बताता है बल्कि प्री हिस्ट्रिक दौर को भी बताता है कि जब दुनिया नहीं थी जब दुनिया नहीं थी सॉरी जब दुनिया नहीं थी तो क्या था बहुत सारे मसाइब के मुताबिक यही था कि जो दुनिया नहीं थी तो खुदा था जी खुदा था कलाम मुकदस हमें क्या बताता है कलाम मुकदस बताता है जी कि इब्तदा में कलाम था और कलाम क्या था जी खुदा के साथ था बहुत सारे लोगों का यह अकीदा है कि खुदा वाहद शरीक है वो तन तनहा है पर कलाम क्या बताता जी ये, ये एक डिफरेंस है जो मैं बहुत बड़ा डिफरेंस बयान कर रहा हूं कलाम बताता है कि जी इब्तदा में कलाम था और कलाम जो था वो किसके साथ था जी खुदा के साथ था जो खुदा यस्सुम हैं। वो इब्तदा से जब दुनिया नहीं बनी थी जब दुनिया नहीं बनी थी तो वो खुदा के साथ थे किस सूरत में साथ थे खुदा के कलमा की सूरत में साथ थे और क्या लिखा है जी पुराने आदरामा में देखें तो कि खुदा की रूह जो थी जी पानियों पे क्या करती जी थी जी जुम्बश करती थी और इसी तरह अगर हम नए ऐमे में चलते हैं तो देखा गया है कि खुदा मसीह नासरी पानी पे चल रहे हैं यह खुदाई फितरत हमें और खुदा का एक रूप और खुदा का एक मौजा हमें नजर आता है खुदा अपने गुलाम से जुदाद नहीं है जैसे मैं मैं मेरा नाम दिलावर है और मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज़ आप सुन के बता सकते हैं कि ये दिलावर ही बात कर रहा है इसी तरह खुदा का कलमा जो खुदा के साथ था अजल से खुदा का कलमा जो खुदा के साथ था अजल से वो दुनिया में आया हम देखते हैं के झील में थोड़ा सा मैं इसको पढ़ना चाहूँगा यही इब्तदा में खुदा के साथ था सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई खुदा क्या कहता है जी हो जा खुदा ने कोई मेहनत की इतना बड़ा जमीन और आसमान को खुदा ने पैदा किया समंदरों को हवाओं को रोशनी को चांद सितारों, सितारोंसियारों को इतनी बड़ी दुनिया को पैदा किया तो खुदा को मेहनत करनी पड़ी जी नहीं खुदा ने कहा हो जा खुदा ने क्या किया जी कलाम किया खुदा ने क्या किया जी कलाम किया और क्या हुआ जी सारी चीजें होना शुरू हो गई ये आयत हमें बताती है जी सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई किसके वसीला जैसे जी कलाम के वसीला से ये जो डॉक्ट्रिन है या ये एक फॉर्मुलेशन है बहुत सारे दूसरे कायद जो हैं वो इसको कॉपी करते हैं के जी सारी चीजें तेरे लिए बनाएंगी ये हो गया अब अपने मबूदों के लिए मगर कलाम बरहक हमें क्या बताता है कि जी सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई उसमें जिंदगी थी और जिंदगी क्या थी जी आदमियों का नूर थी और जो नूर है वह तारीकी में चमकता है आज भी बहुत सारे लोग क्रिसमस पे मैं अक्सर गीत सुनता हूँ नूर चमका नूर चमका तारीकी में नूर चमका तो इस हम लोग ये गाते हैं तो क्या तारीकी थी क्या नूर था कैसे नूर चमक गया कैसे तारीकी को रोशनी में बदला गया तो मेरे अजीज़ों में बताना चाहता हूँ जब आदम और हवा से गुनाह सरजर्द हो गया तो वो उस जलाल से महरूम हो गया जिस जलाल में वो खुदावन के साथ उठता बैठता था रहता था कलाम करता था गुनाह के सबब से शैतान के बहकाय जाने के सबब से भटका गया और खुदावन से और उसकी हजूरी से दूर हो गया खुदा उनकी हजूरी से दूर हो गया और क्या हुआ जी जमीन में जलीलो ख्वार हुआ खूनरेजियां बदगोइयां बदगुमानिया करने लगा और उसकी जो पकीजगी थी वो उसे छिन गई फिर भी खुदा आदम से मोहब्बत करता था खुदा ने उस वक्त क्या किया जी वहां पे वहां पे भाग्य अदन में एक भरा लिया और उसको जिबा किया और उनको कपड़े पहनाए जी ऐसे ही लिखा है जी उनको कपड़े पहनाए ये बात तश्वीन उस बर्रा को शो करती है कि वो आजलशुदा बर्रा जो के अदन में जिबा किया गया ये खुदा ये बताना चाहता था कि खून के बगैर खून बहाए के बगैर जाने के बगैर गुनाह की माफी नहीं है क्योंकि कला में लिखा है और उन्होंने गुनाह किया और खुदावंत के जलाल से महरूम हो गए और यह भी लिखा है गुनाह के बारे में कि जी गुनाह की मजदूरी क्या जी मौत है और यह एक बड़ी बात देखने में आती है और सोचने में आती है कि खुदावंत किस मकसद के लिए इस दुनिया में है क्योंकि खुदावन ने वादा किया था यह खुदावन के वादे के मुताबिक खुदावन यसु मसीह को दुनिया में आना पड़ा खुदावन ने निजात का मुखलसी का वादा किया था क्योंकि इंसान जो था वो उसके अंदर जो गुनाह का जन्म था वो पैनिट्रेट कर गया था और यह गुनाह आदम और हवा का गुनाह जो हमारे वाजदाद का गुनाह था मारूसी तौर पर वरासती तौर पर नी करता जेनेटिकली नस्ल नस्ल दर मुंतकल होता आ रहा था, इवन के दूसरे अंबिया में भी था मगर अंबिया जो थे वो तोबा तायब होते थे खुदावंत के हजूर में परेजगारी से अपनी जिंदगी को बसर करते थे मगर ये, ये गुना जो था बनी नो इंसान के अंदर पाया जाता था अंबिया में बहुत सारे अंबिया अकबर भी हुए हैं और अम्बिया सगर भी हैं जिनमें के एक अम्बिया में से हज़रत इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं कि जब खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को कुर्बानी के लिए कुरबान कुर्बान गा पर लटा दे तो उसने अपने बेटे को कुर्बान गा पर लटका दिया और जब उसने उसके गले पे छुरी रखी क्योंकि वो जानता था कि खुदा जिंदगी का खुदा है वो इस बेद को जान चुका था तो उसने जब छुरी रखी तो खुदावन ने उसको क्या कहा जी वहाँ पे उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया अगर ऐसा होता तो क्या होता जी आज सुन्नत के तौर पे इब्राहिमी सुन्नत के तौर पे बहुत सारे पहलों बछड़ों की कुर्बानियां नहीं बल्कि अपने बेटों की कुर्बानियां जो हैं वो लोग गुजरान रहे होते और खुदा ने क्या कहा खुदा ने कहा इब्राहिम अपना हाथ रख और वो मेंढ़ा जो तुझे झाड़ियों में फंसा नजर आता है उसको कुर्बान कर यह भी एक तशी अमल है और एक साइन है उस बर्रे का यह कौन सा बर्रा था जो दुनिया का जहान का गुना उठा ले जाता है खुदा ने कहा नहीं यहां पे तेरा बेटा नहीं बल्कि मैं अपना बेटा कुर्बानी के लिए देता हूं युन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब और उसकी सोलह आयत को देखते हैं सब इस आयत से वाकफ है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कैसी जी ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उसके नाम पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए खुदा की ये मोहब्बत जिसको हमने दुनिया में आम करना है क्रिसमस का क्या मतलब है जी कि खुदा जो है हमारा मोहब्बत का खुदा है क्या खुदा ने हमसे कोई बदला लिया गुनाह का यह उसका फजल है ये उसका रहम है ये उसका तर्स है हमने तो बर्रा नहीं दिया इंसानीत के लिहाज से देखें तो इब्राहिम की तरफ से कुर्बानी कबूल नहीं की गई बल्कि ये खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाया है उसने अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाया है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि वो गुनागारों के लिए सलीपे चढ़े और कुर्बान हो और रस्ल इंसानी की तरफ से कुर्बानी पेश करे जिससे इंसानों के गुनाहों का कफारा हो सके तो ये जो वादा था ये मूसा से किया गया कि तेरी मानदक एक भी बरपा करूंगा जो के लोगों को उनके गुनाहों से निचात देगा और बहुत से लोग जो थे वो मसीहा के मुंतजर थे कि वो कब आएगा और हमें निजात देगा और हमें खुशहाली और बहाली दिखाएगा तो मेरे अज़ीज़ों मसीहा की पैदाइश आज से 2000 साल पहले बैतलह के शहर में हुई जहाँ पे मसीहा ने मरियम के घर में जन्म लिया और उसने एक चरनी में अपना बिछौना बनाया और उस वो उसने अपने आप को हकीर और पस्त कर लिया किसकी खातर जी हमारे गुनाहों की खातर खुदा ने इतनी रहमत इतनी शफकत दिखाई किसकी खातर जी हमारी खातर ये क्या है जी ये यही है कि वो खुदा हमसे क्या करता है जी प्यार करता है मोहब्बत करता है जितने भी आशाने निजात इस बात के मुंतजर से कि निजात के दिन को देखें के निजात के दिन को देखें यस्सु को देखें निजात को देखें निजात हासिल करें तो ये निजात लेकर क्या जी ये बच्चा जिसको आप चरनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ देखते हैं जी ये कोई आम बच्चा नहीं है ये खुदा का क्या है जी इकलौता बेटा है जो कि जी क्या कर रहा है जी निजात लेके दुनिया में आया है वो कलाम जो खुदा के साथ आजल से था तजस्सम हो गया है उसने इंसान का रूप लिया है बहुत सारे लोग इस डॉक्टर को इस चीज़ को समझने से कासर हैं और ठोकर का बायस बनते हैं कि किस तरह एक कलमा मुजस्म हो के जी इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बहुत सारे आलम अभी भी ये ख्याल करते हैं कि जो मसीहा की शख्सियत है उसको एक अमूमी नबी या इंसान के तौर पे लेते हैं मगर हमें इस बात का इतराक है और इस बात की समझ है क्योंकि लिखा है कि खुदा ने बहुत सारे आलमों से ऐसी हमत को छुपाया और पस्तों पर इस चीज़ को ज़ाहिर किया अब देखते हैं जी इस वाक्य में कि गडरिए बेड़े चराने वाले हाँ जी बेड़े चराने वाले शिव संभालने वाले लोग क्या कर रहे हैं जी यसु के पास आ रहे हैं तोहफे तहफ लेके आ रहे हैं कि जी बादशाहों का बादशाह आ गया ठीक है जी क्या जी के बादशाहों का बादशाह आ गया है तो क्रिसमस के हवाले से मैं दोबारा उसी बात पे आता हूं कि जी ये क्रिसमस का जो त्यौहार है ये जी ये मोहब्बत का त्योहार खुदावन की मोहब्बत को शो करता है अपने जो दुश्मनों हैं दुश्मन हैं उनको माफ करने की तलकीन करता है क्योंकि खुदावन के साथ कहते हैं जी जो गुनाह करता है वो खुदावन के साथ क्या करता है जी दुश्मनी करता है जो दुनिया से मोहब्बत करता Although है वो खुदा से क्या करता है जी दुश्मनी करता है बैर करता है पर क्या किया जी खुदावन ने खुदावन ने अपने दुश्मनों को क्या किया जी हम उसके गुनागार थे जब कोई हमारी कोताही करता है गलती करता है तो वो हमारा हमारे लिए क्या जी दुश्मन है पर खुदा ने क्या किया जी हमारी सारी खताओं को जी उसने ढांक दिया उसने अपना फजल किया क्योंकि दाऊद नबी कहता है कला में तेरी निजात शौक़ के बीच हूं बेहोश है मेरी जहाँ हाँ क्योंकि उसको निजात का इलम दिया गया था उसको पता था कि खुदावत ने क्या किया जी निजात का वादा किया है वो निजात के काम से इश्क करता तो आशका ने निजात था जितने लोग निजात को समझते हैं मुख्तलिफ मज़ाहब में निजात का कॉन्सेप्ट पाया जाता है जी बहुत सारे कहते हैं जी निजात का रास्ता ये है बहुत सारे लोग एम्फोसाइज करते हैं जोर देते हैं कि नहीं जी नहीं ये निजात का रास्ता है पर खुदा के क़लाम में क्या लिखा है जी यमसी नासरी क्या कहते हैं जी हक और जिंदगी जो है वो जी मैं हूं कोई मेरे वसीला के बगैर कोई मेरे वसीला के पास जी बाप के पास नहीं जा सकता की जील उसका पहला बाप और उसकी ग्यारहवीं याद को पढ़ता हूं जी लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का जी क्या बख्शा जी हक बख्शा यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं जो राहक बरहक हक, बर हक यस्सु कर ईमान लाते हैं जी उनके साथ क्या वादा किया गया जी द <coughs> लॉर्ड, उनके साथ जी ज़िंदगी का वादा किया गया आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि ये निजात जिसके वसीला से हमने बरकत पाई है जिसके वसीला से हम वारस ठहरे हैं जिसके वसीला से हम बेटे बने हैं इस मोहब्बत के पैगाम को आम करें और इस क्रिसमस के मौका पर लोगों को बताएं कि ये मोहब्बत का त्यौहार है ये मोहब्बत करने का टाइम है ये मोहब्बतें बांटने का टाइम है ये एक दूसरे को माफ करने का टाइम है ये एक दूसरे के साथ सुलह और सलामती के साथ रहने के लिए तलकिन करता है क्योंकि लिखा है कि वो क्या जी सुलह और सलामती का शहजादा है वो ना सिर्फ निजात लेके आया है बल्कि क्या लेके आया जी सु और सलामती को भी लेके आया है तो उसने अपनी जिंदगी में एक रोल मॉडल साबित किया कि उसने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया और उसने क्या किया जी सुलह और सलामती की तबलीग की उसने कहा जी एक थप्पड़ मारे जो दाइने गाल पे क्या जी करें जी दूसरा भी आगे कर दें और ये तालीम दी किस कौन सी तालीम दी जी मोहब्बत की तालीम दी तो हमारा खुदा कौन सा खुदा है जी मोहब्बत का खुदा है वो मोहब्बत से मामूर होके जी दुनिया में आ गया हमारी मोहब्बत के लिए वो दुनिया में आ गया क्या कि वो गुनाह जो बाग़न में आदम से सरजर्ज हुआ था उसकी खातर वो उसकी खातर वो सूली पर चढ़ जाए और उस मारूसी गुनाह को ख़त्म करे ताकि हम लोग जो हैं हमारे लिए जो जी निजात का रास्ता खुले और हम अपनी लाइफ हासिल कर सकें उसी के बाबरकत और जलाली नाम में इस कलाम मुक़दस के वसीले से आप सबको बरकत मिले आमीन